नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। अब मैं आपको क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जो अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन और कैंसिल हो चुके हैं। तो कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, कौन से कैंसिल हुए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये CBSE द्वारा भेजा गया एक सर्कुलर है, इस सर्कुलर से मैं आपको जानकारी देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। देखिए, ये अभी देखिए लिखा डेटेड 14 अप्रैल 2021, आज ही की बात है ये। और नोटिफिकेशन क्या आया वो आपको मैं बता देता हूँ। लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक, द स्कूल क्लोजर्स एंड आल्सो टेकिंग इन अकाउंट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ डिसाइडेड एज फॉलो। क्या डिसीजन हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत जरूरी डिसीजन है ये। पहला डिसीजन, द बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास ट्वेल्थ, पहला जो डिसीजन है वो क्लास ट्वेल्थ के बारे में हुआ है कि क्लास ट्वेल्थ टू बी हेल्ड फ्रॉम मई 14 टू जून 14, जो कि पहले से डिसाइड था कि जो बोर्ड एग्ज़ाम ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम है वो 4 मई से शुरू होकर 14 जून तक जो होने वाला था वो क्या हुआ है, दीज एग्ज़ाम विल बी हेल्ड हियर आफ्टर, ये जो एग्ज़ाम है वो अब बाद में लिया जाएगा। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून, जो भी सिचुएशन होगी 1 जून तक, 1 जून को फिर से मीटिंग होगी, उस मीटिंग के दौरान ये पता किया जाएगा कि अभी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा। द डिटेल विल बी शेयर्ड, अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 डे विल बी गिवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब इसका पूरा मतलब ये है कि क्लास ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 4 मई से 14 मई के बीच में जो होने वाले थे अब वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना की इस प्रकार की रफ्तार को देखते हुए। अब ये एग्ज़ाम की जो नई डेट है वो एक जून को मीटिंग के बाद, यानी 1 जून को कंडीशन देखी जाएगी, तब तक क्या कंडीशन रहती है, उसके बाद नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। और ये तारीख की घोषणा जो है आपको 15 दिन पहले बता दी जाएगी, यानी जब एग्ज़ाम शुरू होगा उसके 15 दिन पहले से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस दिन से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ये तो हुई जानकारी क्लास ट्वेल्थ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ क्लास टेंथ के बारे में। तो ये है क्लास टेंथ की, द बोर्ड एग्ज़ाम फॉर क्लास टेंथ टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई टू 7 जून, जो कि आपको मालूम है कि 4 मई से 7 जून के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला था क्लास ट्वेल्थ टेंथ का, वो अब क्या हुआ, कैंसिल हो गया है। क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है लेकिन क्लास टेंथ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। द रिजल्ट ऑफ द क्लास टेंथ बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ऑफ द डेवलप्ड बाय द बोर्ड। और इनका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि बोर्ड इसको प्रिपेयर करेगा। एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अलॉटेड टू हिम और हर on this basis will be given an opportunity to sit in the exam as and when the condition are conducting to the held the exam. अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाला है, उससे अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो बच्चा बाद में जब कंडीशन ठीक होती है और एग्ज़ाम होते हैं उस समय वो एग्ज़ाम दे सकता है और अपने जो रिज़ल्ट है उसको सुधार सकता है। तो ये दो बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ इस समय आई है बोर्ड के द्वारा, और सभी बच्चों को, शायद कुछ बच्चों को खुशी भी होगी लेकिन कुछ बच्चों को निराशा भी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो मेहनत अब और करनी पड़ेगी ट्वेल्थ क्लास वालों को, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और ज़्यादा दिन तक उनको पढ़ना पड़ेगा। और टेंथ क्लास के बच्चे के लिए तो अच्छा रहा, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए ठीक नहीं रहा। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।